नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी इसलिए है ताकि न्यू टाइप के ऑर्गेनिजम्स बन सकें. ठीक है, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो सिंगल पेरेंट की करेक्टरिस्टिक्स पर होंगे, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगी. क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से न्यू जीन्स बनेंगे, न्यू ट्रेड्स बनेंगे. ठीक है, उससे क्या होगा, न्यू टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो कि वैरायटी ऑफ रेसेस अब आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग तरीके के लोग हैं. ठीक है, तो इस तरीके की जो वैरायटी आती है वो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है. अब ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. उसमें नंबर वन चीज़ आपको जर्म्स की ज़रूरत होती है, यानी कि गैमिट्स की ज़रूरत होती है. उन गैमिट्स को मिलाने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है. एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई और जायगोट बन गया तो उसके आगे वही सेम प्रोसेस है जो कि हर रिप्रोडक्शन में होता है, हर ग्रोथ में और डेवलपमेंट में होता है. तो ये तीन चीज़ें, दैट इज नंबर वन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्म होना, नंबर टू मेट करवाना, मेटिंग, एंड नंबर थ्री इज फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस यानी कि जर्म सेल्स जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं इन मेल एंड इन फीमेल. तो अगर मेल की बात करें तो मेल में आपके पास शामिल है स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर फीमेल की बात करें तो आपके पास शामिल है ऊजेनेसिस. ठीक है, मेल का जो ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको हम कहते हैं गोनैड. ठीक है, मेल गोनैड, और उसके अंदर शामिल होता है स्पर्मेटोगोनिया. अब मैं आपको क्या करूँगा, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊँगा, फिर इसके बाद मैं समझाऊँगा मियोसिस किस स्टेप पर हो रही है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं सेल में, वो कब हाफ हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब डिप्लॉयड है और कब हैप्लॉयड है. ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके पास सबसे पहले होता है एक जर्म सेल है. स्पर्मेटोगोनिया में है 2N, इसका मतलब ये है डिप्लॉयड. स्पर्मेटोगोनिया की होती है माइटोसिस, यहाँ पर होती है माइटोसिस. ठीक है, अब माइटोसिस की वजह से क्या होता है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. नाम पे बहुत ध्यान देना है, स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म का सेल और कौन सा है प्राइमरी यानी कि पहले आता है. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो भी क्या है 2N, और 2N क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई थी माइटोसिस हुई थी और माइटोसिस में नंबर्स चेंज नहीं होते. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आगे जाके करेगा मियोसिस, उसने करी मियोसिस. अब मियोसिस के होते हैं दो स्टेप. ठीक है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. जब मियोसिस वन होगी तो आपके पास बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हैप्लॉयड हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको याद रहे कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो यहाँ पे हाफ हो गए, हैप्लॉयड हो गए. मियोसिस के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस का पार्ट टू हुआ, जिसके बाद और सेल डिवाइड हो गए, लेकिन जो हैप्लॉयड था वो हैप्लॉयड ही रहेगा और उसने बना लिया स्पर्मेटिड. ठीक है, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हैप्लॉयड हो गए, स्पर्मेटिड बन गया. अब स्पर्मेटिड जो है वो मजीद आपके पास माइटोसिस करता रहेगा और बना लेगा स्पर्म सेल्स, जो कि आपके पास क्या है, सब हैप्लॉयड. ये स्पर्म सेल्स आपके पास एग के साथ जब मेट करेंगे इन द मेटिंग स्टेज, तब ये करेंगे फर्टिलाइजेशन. सो इट्स वेरी इजी. ये स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, उसकी माइटोसिस हुई, ग्रोथ हुई सेल की, वो बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी में हुई मियोसिस, जिसकी वजह से बन गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक पहली मियोसिस हुई थी, सेकेंड मियोसिस होने के बाद वो बन गया स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड बनने के बाद उसे वो बन गए स्पर्म सेल्स, और इन सब के दौरान इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो हैप्लॉयड थे, सिवाय प्राइमरी और स्पर्मेटोगोनिया के, जिसमें इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड थे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ऊजेनेसिस, बिल्कुल इसी के जैसा है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं समझा दूंगा कहाँ फर्क है. इसमें होता है आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जिसका नाम है ओवरी. ठीक है, तो ये काम हो रहा है ओवरी के अंदर, और ये काम हो रहा था आपके पास टेस्टिस के अंदर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में आपके पास शामिल है ओगोनिया. ठीक है, और ओगोनिया के पास होती है आपके पास सबसे पहले माइटोसिस. तो यहाँ होगी आपके पास माइटोसिस, और आपको पता है माइटोसिस होने से क्या होता है, कोई चेंज नहीं होते नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके पास भी पहले थे डिप्लॉयड 2N. ठीक है, और माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे फर्क नहीं पड़ता, तो अभी भी 2N है. अब प्राइमरी ऊसाइट जो है इसके बाद हुई है मियोसिस, तो यहाँ पे करेगा ये मियोसिस. ठीक है, मियोसिस करने से आपको पता है क्या होता है, मियोसिस करने से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं. तो जब पहला पार्ट हुआ है मियोसिस का, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए, यानी कि हैप्लॉयड. तो यहाँ पर भी मैं छोटा सा स्टार बना देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, मैं दो स्टार बना रहा हूँ, और दो स्टार बनाने की वजह यह है कि यहाँ पे
स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा यहाँ पे जो है एक और डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक तो हैप्लॉयड तो हो रहे हैं, वो तो आपको पता ही, तो मेन पॉइंट है। दूसरा यहाँ बन रही है एक पोलर बॉडी, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ प्राइमरी से जब स्पर्मेटोसाइट बने थे तो आपके पास दो स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो बने थे, और वो आगे जाके जब स्पर्मेटिड बनाते हैं तो वो चार स्पर्मेटिड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक सेकेंडरी बन रहा है और एक पोलर बॉडी बन रही है। नाउ व्हाट इज पोलर बॉडी? पोलर बॉडी एक छोटा सेल होता है मुकाबले में सेकेंडरी ओसाइट के। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो शामिल है लेकिन ये आगे जाके रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, नेक्स्ट स्टेप आपके पास वापस आपके पास इसकी डिवीजन होती है, और नेक्स्ट डिवीजन के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ओवम। एक सेल बनता है ओवम का, और ये भी क्या है आपके पास, हैप्लॉयड है, एन नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ साथ तीन पोलर बॉडीज बन रही हैं। अब ये तीन पोलर बॉडीज क्या कर रही हैं, ये तीन पोलर बॉडीज का कोई काम नहीं है, डीजनरेट हो जाएंगी। ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और डीजनरेट हो जाती है। सो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से इविक्ट हो जाएंगी और आपके पास रह जाएगा सिर्फ वन ओवम, एंड दैट वन ओवम विल बी कन्वर्टेड इनटू एग, और फिर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी किसके साथ, स्पर्म सेल के साथ। ये भी एन, ये भी एन, दोनों हैप्लॉयड मिलकर बना लेंगे डिप्लॉयड जाइगोट। सो दैट्स ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। मीटिंग किस तरह तरीके से होती है, मीटिंग या तो फिर आउटसाइड द बॉडी होती है या इनसाइड द बॉडी होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, मैमल्स हैं, उनमें इनसाइड द फीमेल बॉडी मेटिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ फिशेस और एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग है, उसमें जो मेटिंग होती है किसकी, स्पर्म सेल की और एग सेल की, वो आउटसाइड द बॉडी होती है। एक बात याद रखना ज़रूरी है, जिनमें मेटिंग आउटसाइड द बॉडी होती है वो ज़्यादातर आपके पास एक्वेटिक होते हैं, यानी कि समंदर के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है दो तरीके की, नंबर वन इंटरनल एंड नंबर टू एक्सटर्नल। नाम से जाहिर हो रहा है इंटरनल का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीमेल होती है, ठीक है। यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर आपके पास क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। स्पर्म सेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है, मेटिंग होती है, जिसके बाद क्या बनता है आपके पास, जाइगोट, एंड देन जाइगोट बना लेता है आपके पास एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हो रही है। इसमें एक खास बात यह है कि ये टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में दोनों में होता है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल लैंड वाले एनिमल्स हैं उनमें तो मस्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनमें मस्ट है। लेकिन एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक में एक और तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है, और वो है आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक्वेटिक में ख़ास तौर पे आपके पास फिशेस, कुछ फिशेस एंड फ्रॉग में आपके पास होता है। व्हाट दे डू, दे लाए एग, ठीक है। एक एग क्या करती है, फीमेल एग छोड़ देती है और मेल जो है वो स्पर्म सेल छोड़ देता है। कहाँ पे, एक ऐसी जगह पर जहाँ पे क्या होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, सूटेबल प्लेस पे, एंड देन क्या होता है, एग के अंदर स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन कर देता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दैट्स ऑल वेरी इजी। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्स टाइप, कि क्या सेक्स टाइप्स किस तरह क्या होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। सो दे आर टू बेसिक सेक्स टाइप्स, नंबर वन इज यूनिसेक्सुअल, नंबर टू इज बाइसेक्सुअल। सो यूनिसेक्सुअल आर अस ह्यूमंस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मैमल्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि आइदर दे आर मेल और दे आर फीमेल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि दोनों आपके पास, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि दोनों आपके पास ऑर्गन्स मौजूद हो, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। तो इन तरह के एनिमल्स क्या, इन तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसका दूसरा नाम है आपके पास डायोशियस, या तीसरा नाम आपके पास है हेटरोफ्रोडाइट, ठीक है। इसके अलावा जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल की मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास है टीनिया सोलेनम, जो कि आपको बुक में भी दी हुई है। इसके अलावा काफ़ी इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपके पास बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है मोनोइशियस एंड हर्माफ्रोडाइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दोज टू नेम्स ऑल्सो। इसके बाद कुछ एक और छोटे मोटे टॉपिक हैं, दैट इज ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। ओवीपैरस क्या होते हैं, याद रखिएगा, ओ से नाम शुरू होता है, ओ बिल्कुल लगता है एग की तरह, और ये जितने जो ओवीपैरस एनिमल्स होते हैं ये होते हैं एग लेइंग मैमल्स या एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो बॉडी होती है, फीमेल बॉडी जो होती है, वो पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेबी की या फिर जाइगोट की, एम्ब्रियो की, वो अपनी बॉडी में नहीं करती, वो एग में करती है, और वो एग को ले कर देती है, यानी कि किसी एक जगह पे सूटेबल प्लेस पे ले कर देती है। अब एग का क्या होता है, एग का एक शेल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है थ्रू लिक्विड्स, लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें एयर की जो है वो आपके पास पैसेज बना हुआ होता है, ठीक है।
और इसके अलावा ये बाकी क्या करता है, प्रोटेक्टिव गियर्स देता है। इसके अंदर एक और चीज़ शामिल होती है, दैट इज आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, योक, ठीक है। इसके अलावा वीवी पैरस में क्या होता है, वीवी पैरस में आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यू बर्थ को लाइफ देते हैं, यानी कि उनको एग बनाने की, एग ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उनमें जो है यहाँ पे योक यूज़ होता था एज ए न्यूट्रिशन, यहाँ पर योक यूज़ नहीं होता। यहाँ पे जो बेबी है वो फीमेल के यूट्रस के साथ आपके पास यहाँ पे अटैच्ड होता है, ठीक है, और यहीं पर ही पूरी ग्रोथ करता है। और यहाँ पे कनेक्टेड होती है एक और चीज़, एक लाइन जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा एक कनेक्शन है बिटवीन द मदर एंड द बेबी टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द बेबी। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओवीपैरस एंड वीवीपैरस।